अगर आपके भी बाल फ्रंट से थिन होते जा रहे हैं, यानी कि जो फ्रंट लाइन होती है यहाँ से थिनिंग स्टार्ट हो गई है, तो डोंट वरी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसके कंटिन्यूस यूज से आपके बाल थिक होने लगेंगे और आपका ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। अच्छा, आज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन एक और वीडियो जिसके लिए अक्सर आप मुझे कहते हैं कि गज़ल बालों की जो हेयर लाइन है वो थिन होती जा रही है, उसका क्या करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाकी बाल जो है इतने थिन नहीं होते लेकिन जो हेयर लाइन होती है वो ज़्यादा थिन होने लगती है, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। बाय द वे ये वीडियो जो है मेरी मेरे मेल व्यूअर्स के लिए भी है और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम दोनों के साथ होता है। और जो मेल मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम होता है ना गंजपन का, या हेयर लाइन बहुत थिन हो जाती है, बाल पीछे चले जाते हैं, वो ज़्यादातर हेरिडिटरी फैक्टर होता है, यानी कि वो हम विरसे में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मायूस हो जाएं, परेशान हो जाएं कि बस हम विरसे में ये चीज़ मिली है तो हमें बस ये प्रॉब्लम होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी हमारे अंदर हज़ारों बीमारियों की जीन आती हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, लेकिन वो तब ट्रिगर करती हैं जब हम अपने बुरा हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है हमारा, जैसे बालों के हवाले से अगर बात करें तो बुरा अगर आपका हेयर केयर रूटीन होगा तो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम फिर आपको ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आप अपने बेहतर हेल्दी लाइफस्टाइल से, बेहतर चीज़ों से, बेहतर हेयर केयर रूटीन से इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, इनफेक्ट रोक भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ख़वातीन में और बहुत सारे रीजंस मर्दों में भी होते हैं, यानी कि किसी बीमारी का असर भी हो सकता है, मेडिकेशन का भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बेलेंस भी होता है, स्ट्रेस जो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उन सारी चीज़ों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसको हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं और उसका बहुत नुकसान होता है, हमारी हेयर लाइन बहुत थिन हो जाती है ख़ास तौर से ख़वातीन के साथ। और वो ये होता है कि वो चाहे ख़वातीन हों या टीनेजर्स हों, बच्चियाँ हों हमारी, वो जब पोनीटेल या बालों को कस के बांधती हैं ना, तो हाई पोनीटेल स्पेशली, तो सारा वेट, लंबे बाल होते हैं, थिक बाल होते हैं, तो सारा वेट फ्रंट के बालों पर, आप अगर बालों को कस के बांधें तो आपको फील होगा कि सारा बाल, बालों का जो वेट है वो फ्रंट के बालों पर आ जाता है। तो उससे भी वक्त के साथ साथ ये बाल थिन होते होने लगते हैं, कमज़ोर होकर निकलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो एक तो अगर आप इस तरह से बालों को बांधते हैं कस के, तो प्लीज़ थोड़ा सा चेंज कर लें अपने स्टाइल में और इस तरह से बालों को टाइप किया करें कि वो नुकसान आपको ना हो फ्रंट में। और दूसरा ये होता है कि जो हेयर डाई, एक ऐसा केमिकल जो ना चाहते हुए भी हम लगाते हैं अपने बालों का, तो उसका भी बहुत नुकसान होता है, और स्पेशली वो ख़वातीन जो बाकी तो बालों को बांध कर काम चला लेती हैं, सिर्फ फ्रंट के बालों को ना बार बार लगा रही होती हैं ग्रे बालों को हेयर डाई, तो वो क्या होता है कि बार 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 एक ही जगह पर जब केमिकल लगता है तो वो हमारे फॉलिकल्स डैमेज होते हैं, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हम यूज़ करते हैं ज़ाहिर बालों पर तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं वो। तो इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ वो सारे हेयर डाई को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के बहुत सारे टिप्स शेयर किए थे, तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। वीडियो नज़र आ रही है, लिंक भी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो इसीलिए बाय द वे मैं खुद भी बहुत बेजार हूँ इस हेयर डाई से, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, कि कोई मुझे ऐसा नेचुरल हेयर डाई मिल जाए जो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी ज़रूर, अगर फ़ायदा हुआ मुझे तो। तो वीडियो देखते रहिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अक्सर मुझे ये लोग ये भी कह रहे होते हैं गज़ल आपकी नई वीडियो आई तो हमने देखी नहीं, हमें पता ही नहीं चला, तो इसलिए कि आप नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक नहीं किया होगा आपने, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी नई वीडियो आई है। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, के आज एक ऐसी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रंट लाइन स्पेशली, आपकी बहुत इससे इसको फ़ायदा होगा, इनफैक्ट जो बेबी हेयर होते हैं ना जो वो ग्रो करने लगेंगे, नए बाल आने लगेंगे और पैचेस बन जाते हैं तो वो फिल होने लगेंगे, लेकिन कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें होती हैं कि ये लगाएं तो सुबह उठेंगे तो दुनिया बदल गई होगी, ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूसली काम करने से होता है और ज़रा सब्र तहमुल से काम करना होता है, ये नहीं कि एक हफ्ता लगाया आपने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता है। तो बहरहाल लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ कि किस तरह से बनेगी।
इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेथी दाना, यानी जिसे फेनिग्रिक सीड भी कहा जाता है। अब इसको आप पीस लें और इस तरह से पाउडर बना लें, बहुत ही बारीक पीस लीजिएगा। और एक फ्रेश अनियन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि जो डार्क कलर का, इस तरह का पर्पल कलर का प्याज होता है वो लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा अनियन का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास अनियन ऑयल ना हो तो फिर आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज को आप या तो कद्दूकश कर लें या किसी ब्लेंडर या चॉपर में पीस लें। अब प्याज का इस तरह से पीसने के बाद आपको अच्छी तरह से सुछान लेना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा सा जूस निकाल लेना है 1.5 कप, क्योंकि प्याज में बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों को गिरने से रोकता है और हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब ये जो मेथी दाना है, इसका जो पाउडर बनाया है उसका 1 टीस्पून आप ले लीजिए, अनियन ऑयल के 2 टीस्पून आप इसमें ऐड कीजिए, और जो मेथी दाना है उसमें बहुत सारा लेसिथिन और निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, हाई कॉन्टेंट पाया जाता है प्रोटीन का, जो ना सिर्फ हमारे बालों को गिरने से रोकता है बल्कि हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे बालों की नई ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। अब आप ये देख रहे हैं कि थिक सा इस तरह से पेस्ट बन जाएगा, आप अगर फौरन से लगाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये ज़्यादा थिक हो जाता है। तो अगर आपको बनाकर रखना है, थोड़ी देर के बाद लगाना है, तो इसका दूसरा हल ये है कि आप इसी पेस्ट के अंदर 3 से 6 टेबल स्पून पानी के ऐड कर लें, तो ये फिर ज़रा सीरम की सूरत में आपको मिल जाएगा। अब आप इसको छान लीजिए, अच्छी तरह से छानने के बाद ये थिक सा सीरम बन जाएगा। अब इस सीरम को आप आराम से किसी भी ऐसी बॉटल में जिसका पतला सा नोजल हो, जो आप आराम से अपने हेयरलाइन पर लगा सकें, बॉटल के अंदर बंद कर लीजिए, इस नोजल की मदद से आराम से अपने हेयरलाइन पर लगा सकते हैं। बाल आपके बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं होने चाहिए या उसमें ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि 1-2 दिन पहले आपने बालों को वॉश किया हो और वो ऑयल भी ना लगा हो उसमें, तो फिर आप ये लगाइएगा। अब आप इसको पेस्ट की सूरत में भी लगा सकते हैं, अगर आप फौरन लगाना चाहें या आप अगर थोड़ी देर के बाद लगाना चाहें, तो फिर आप जिस तरह से मैंने सीरम बनाकर बॉटल में भरा है आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो अपनी पूरी हेयर लाइन पर लगा लीजिएगा, और जहाँ जहाँ आपकी थिनिंग स्टार्ट हो रही है, जहाँ जहाँ आपके पैचेस ऐसे पड़ रहे हैं जहाँ से बाल कम हो रहे हैं, आप सिर्फ उन जगहों पर लगाइएगा और 5 मिनट के लिए मसाज कर लीजिएगा, और इस तरह से हल्के से फिर बालों को बांध दें, और जो बचा है पेस्ट या जो सीरम लगाना चाहें उसको अच्छी तरह से दोबारा से अपनी फ्रंट लाइन पर और बैक जो हेयर लाइन है उस पर लगा लें। ये कि इसको आप एक हफ्ते के लिए बिल्कुल एयर टाइट करके ना, नोजल को बांध के टेप से बंद करके आप उसको फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, और आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें, 3 दफ़ा यूज़ करें, जितना आप कर सकें तो आपको फ़ायदा होगा, और 30 मिनट्स के लिए इसको लगाना है। अच्छा, अब अनियन की स्मेल किसी को अगर बहुत ज़्यादा बॉदर करे तो आप इसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल के भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी आपको ये थोड़ी सी जो अनियन की स्मेल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ये होगा। और बस इसके बाद 30 मिनट्स के बाद अपने बालों को नॉर्मली जिस तरह से वॉश करते हैं शैम्पू कंडीशनर के साथ, तो वो कर लीजिएगा, और आप देखिएगा कि कुछ ही टाइम में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन प्लीज़ तहम्मुल से और कंटिन्यूसली लगाना है, अपना ख्याल रखना है, और साथ ही साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें कि अपनी डाइट पर भी ध्यान दें आप, और बैलेंस डाइट खाएं आप, कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लिया करें, पानी पिएं, नींद पूरी करें, स्ट्रेस से बचें, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और यकीन करें, ये स्ट्रेस तो इतना बड़ा दुश्मन है हमारे बालों का, तबाह कर देता है बालों को, तो उससे भी बचिएगा प्लीज़। मुझे साथ साथ कमेंट्स के ज़रिए बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने कभी अनियन या इस तरह की कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट सर पे या नहीं लगाया, तो फिर आप उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको खुदा न खासा कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन है किसी भी चीज़ से, तो वो आपको पहले पता चल जाएगा, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताना है वीडियो कैसी लगी, और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी करना है, ताकि हम वहाँ भी साथ साथ रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बहुत जल्द मिलूंगी मैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है, इसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नज़र आ रही हैं, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।